अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद मुश्ताक है और मैं यहाँ सऊदीया में आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ इन अ लीगल वे। आई नो आई एम अ फॉरनर और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप भी अपना बिजनेस चला सकते हैं सऊदी अरब में इन अ प्रॉपर लीगल वे विदाउट डिपेंडिंग ऑन अ सऊदी और अ लोकल पर्सन। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार तब आए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज आई कीप मेकिंग वीडियोज ऑन दीज टॉपिक्स। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज आपको ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर पहले से मौजूद हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लाइक करें, शेयर करें ताकि मजीद लोगों को इस वीडियो के बारे में, इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगे। अच्छा, सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब दिया जाए कि सऊदी अरब में क्यों बिजनेस करना चाहिए। नाउ एज ए पाकिस्तानी एंड एज ए मुस्लिम आई फील के ये मेरे लिए एक बेस्ट जगह है। मैं यहाँ पैदा भी हूँ, अगर आप यहाँ पैदा नहीं हुए टोटली फाइन। हर बंदा यहाँ पे, स्पेशली जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज में से हैं, यहाँ रहना पसंद करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आई नो हर बंदा एक एग्जैजरेशन है। नाउ इफ़ वी कंपेयर इट विद द यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स, आई नो कि यूएस की मार्केट बहुत बड़ी है, यूरोप में भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन द वे ऑफ लिविंग देयर इज वेरी मच डिफरेंट देन हाउ वी लाइक टू लिव एज अ मुस्लिम। तो मैं काफ़ी प्रेफर करता हूँ यहाँ पे रहना। नाउ यहाँ पे दो तरीके से आप रह सकते हो, या तो आप जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में या फिर आप अपना बिजनेस चला रहे हो। नाउ पहले पार्ट पर जाते हैं जो लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। जॉब मार्केट यहाँ पे बुरी तरह फॉरेनर्स के लिए ख़राब होती जा रही है। उसकी रीज़न ये है कि गवर्नमेंट मज़ीद सऊदीज़ को चाहती है कि वो जॉब मार्केट में काफ़ी साल तक, आई बिलीव सो, जॉब मार्केट हमारे लिए फेवरेबल नहीं रहेगी। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कि यार हम यहाँ पे तिजारत करें, यहाँ पे बिज़नेस करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो न्यू नहीं है, काफ़ी अर्से से लोग यहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से कर रहे हैं इट्स इलीगल। और वो कैसे इलीगल है? आप आए हमारा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, मतलब हिस्टोरिकली स्पीकिंग, एंड देन व्हाट यू विल से इज़ यू फाइंड समवन हु इज़ अ लोकल और आप उसको कहोगे कि यार देखो मैं आपके नाम पे सारा बिजनेस करूँगा एंड यू आर सऊदी, सारी चीज़ आप रजिस्टर करोगे, जिसको मुअस्सिसा कहते हैं, एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, एंड देन व्हाट यू डू इज़ एक्चुअली यू विल पंप इन मनी, यू विल ब्रिंग इन मनी, यू विल हैंडल ऑल द बिजनेस और उसके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, बिजनेस बैंक अकाउंट में, एंड देन ही विल गिव यू बाय द कैश या आपके बैंक अकाउंट। इसको तसत्तुर भी कहते हैं और गवर्नमेंट हैविली इसके अगेंस्ट जो है कैंपेनिंग कर रही है। इनफैक्ट आई बिलीव 15 फेब तक गवर्नमेंट ने डेडलाइन दे दी है कि जो लोग तसत्तुर के तरीके से यहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो अगर हमारे पास आए तो विल गिव यू लीनियंसी और हम इसको लीगल कर देंगे। तो मैं अब बात करूँगा कि इस लीगल प्रोसीजर पे कि आप लीगली बिजनेस कैसे कर सकते हैं। और क्यों ना, चूंकि हम इसकी बात जिक्र कर रहे हैं तो मैं अपना जर्नी बताऊँ। तो मैं बेसिकली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कॉलेज से मैंने MBA किया है, एंड जब मैं वहाँ से MBA कर रहा था मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल मोहम्मद उनका नाम है, यमन से उनका ताल्लुक है, उन्होंने मुझे बताया, वो मेरे मेंटर थे कॉलेज के अंदर, उन्होंने बताया कि अहमद अगर आप यहाँ से MBA करोगे तो कॉलेज आपको एक सपोर्टिंग लेटर देगा, उस सपोर्टिंग लेटर को आप यूज़ करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास जा सकते हो जो कि यहाँ सऊदी में है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी हद तक डिस्काउंट देगी और सपोर्ट करेगी टू स्टार्ट बिजनेस। नाउ बिफोर यू क्लोज दिस वीडियो और आप सोचो कि यार इसके लिए मुझे MBA करना पड़ेगा, नहीं, आपको बिल्कुल MBA नहीं करना पड़ेगा। MBA करने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप काफ़ी सारी फीस से बच जाओगे। लेट्स से अगर आप MBA नहीं करना चाह रहे तो क्या प्रोसीजर है यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने का? तो यहाँ पे फॉरनर्स के लिए जो बिजनेस सेटअप करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है या मिनिस्ट्री है, उसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास जाएंगे तो आपके पास दो तरीके हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट आपसे पूछेगी कि प्लीज़ मुझे बताएं, हमें बताएं कि आप की मतलब बिजनेस की नेचर क्या है। बिजनेस जो हैं हिस्टोरिकली दो किस्म के होते हैं, एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है, जैसे हमारा बिजनेस है, IT सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं या कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फाइनेंशियल सर्विसेज या ट्रेनिंग्स या इवेंट्स आप मैनेज करते हैं। और दूसरे टाइप का बिजनेस होता है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपने कोई चीज़ खरीदी, आप बेचते हो, इसमें दुकानें हो सकती हैं, सुपर मार्केट हो सकती है, कोई बहुत बड़ी आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, तो ये सारे ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। इसके लिए आपको ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए होता है। चलिए, ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन सर्विस एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट लाइसेंस। उसके बाद क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर जाते हैं एंड यू क्रिएट एन अकाउंट, और वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। उन डिटेल्स को आप पूरा करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करते हैं, दे चेक योर डिटेल्स, दे वेरीफाई ऑल द इन्फॉर्मेशन। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आया आप बाहर से, सऊदीया के बाहर से अप्लाई करें या ऑलरेडी आप रेजिडेंट हैं, ठीक है? अगर आप रेजिडेंट हैं आपकी अलग डिटेल्स मांगते हैं, एंड अगर आप बाहर से अप्लाई करें देन रिक्वायरमेंट्स माइट बी डिफरेंट। आप जब उनकी वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं, यू हैव क्रिएटेड एन अकाउंट, दे स्टडी, दे गो थ्रू ऑल द डिटेल्स, एंड देन व्हाट दे डू इज इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे माइट कॉल यू बैक। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है दे विल सेंड यू अ सदात नंबर, और अगर आपको सदात नंबर मिलता है कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज नाउ यू जस्ट हैव टू पे द फीस एंड यू विल गेट द सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस। तो सर्विस इन्वेस्टमेंट लाइसेंस जब आपको मिल जाता है, उसके बाद आप ये लाइसेंस जो है आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के पास जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दिखाते हैं, एंड देन यू अप्लाई फॉर द CR। नाउ CR के लिए उनके पास अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी एनुअल फीस है, डिपेंड्स कि आप उसको सालाना कराना चाहते हैं या 5 साल के कराना चाहते हैं,
कीप इन माइंड जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर भी आपके पास चॉइस होती है कि आया आप एक साल के लिए लाइसेंस लेना चाह रहे हैं या पाँच साल के लिए लेना चाह रहे हैं या उससे ज़्यादा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड यू कैन कीप इट फॉर वन ईयर एंड देन यू कैन कीप रिन्यूइंग इट एवरी ईयर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जब आप रिक्वायरमेंट सारी फिलफिल कर लेते हैं, दे गिव यू अ कमर्शियल रजिस्ट्रेशन एंड कंग्रेचुलेशन। जब आपको कमर्शियल रजिस्ट्रेशन मिल गया, इसका मतलब नाउ यू कैन लीगली डू बिजनेस इन सऊदी। इस कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के बिना पे आप फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का अकाउंट जाके खुलवाते हैं। क्यों खुलवाएंगे? क्योंकि आपको अपना ट्रांसफ़र करना है, कफाला करना है। अगर आप सऊदीया में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपको अपना कफाला अपनी कंपनी के अंडर करना पड़ता है। नाउ आई नो दिस माइट बी कन्फ्यूजिंग, लेकिन इसके बारे में मैं शायद मज़ीद एक वीडियो बनाऊँ। आपको अपना कफाला लाजमी कराना पड़ता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर फॉरनर्स और हमारा कोई ना कोई कफील होना चाहिए। इसमें आपको एक चॉइस ही मिल जाती है कि आपका कफील आपकी अपनी कंपनी होती है एंड यू हैव फुल अथॉरिटी ओवर योर कंपनी, तो इसका मतलब आप किसी के अंडर नहीं होते। इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह मज़ीद एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की आपकी फाइल बन जाती है फॉर योर कंपनी, यू ट्रांसफ़र योर काम और ट्रांसफ़र योर सेल्फ टू योर कंपनी और आपको एक नया प्रोफेशनल मिल जाता है, आया जनरल मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों ऑलमोस्ट सेम हैं। यू कैन ऑल्सो बी एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज वेल। थोड़ी सी न्यूंसेस हैं, थोड़ी सी मतलब डिफरेंसेस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू गेट ऑल द अथॉरिटी ओवर योर कंपनी। और उसके बाद कंग्रेचुलेशंस, यू कैन गो टू द लास्ट स्टेप जो आपके पास जाता है, यू कैन गो टू द बैंक्स इन सऊदी एंड यू कैन ओपन अ बिजनेस अकाउंट। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करनी है, अपने क्लाइंट से पैसे मंगवाने हैं, तो यू डू नीड अ बैंक अकाउंट। नाउ कीप इन माइंड कि कमर्शियल रजिस्ट्रेशन के बाद आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते क्योंकि वो रिक्वायर करते हैं कि आपके पास जो आपके इकामे हैं उसके ऊपर जो स्पॉन्सर है उस पर आपकी कंपनी का नाम होना चाहिए एंड ऑन योर इकामा यू शुड बी जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उसके बिना पे ही आपका बैंक अकाउंट खुल सकता है। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थ्री स्टेप्स इन ऑर्डर टू ओपन अ बैंक अकाउंट। लेकिन बैंक अकाउंट ओपन होने से पहले आप रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, यू कैन लुक फॉर क्लाइंट्स, यू कैन इवन रेंट एन ऑफिस। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन कीप स्टार्ट लुकिंग फॉर क्लाइंट्स और यू कैन डू मार्केटिंग एक्टिविटीज एज वेल। लेकिन जब आपको पैसे मंगवाने होंगे, देन एट दैट पॉइंट यू डू नीड अ बैंक अकाउंट एंड दैट इज़ व्हाई आई वुड एडवाइज यू टू वेट फॉर योर ट्रांसफर ऑफ स्पॉन्सरशिप। और उसके बाद पे जब आपके पास बैंक अकाउंट मिल जाए एंड देन यू कैन लुक फॉर ट्रांजेक्शन्स और डील्स और क्लोज सम डील्स इंशाल्लाह। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आई नो मैंने बड़ी क्विकली सारे स्टेप्स को बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उस पर कोई वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उस पर अगर आप चाहते हैं कि मजीद इन्फॉर्मेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन दिस, डिपेंडिंग ऑन हाउ बैडली यू वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। और अगर आप अपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मतलब इट विल टेल मी के आई शुड स्टार्ट मेकिंग मोर वीडियोज़ इन उर्दू। और अपॉलोजीज अगर थोड़े से हिकअप्स रहे, बिकॉज दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम मेकिंग वीडियो इन उर्दू इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन आई एम वेरी मच एक्साइटेड एज यू कैन सी थ्रू माई गेस्टर्स। उम्मीद है कि मैं मजीद वीडियोज़ बनाऊँगा उर्दू पे इस टॉपिक के हवाले से। और अगर मैंने कोई चीज़ मिस की है, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।